तो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो लगभग हर जगह 100 से ऊपर जा चुके हैं, एंड साथ ही साथ जो महंगाई है वो भी बढ़ती ही जा रही है। एंड ये सारी चीज़ें आने वाले समय में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कम होने वाली हैं, बट इस सिचुएशन में अगर आप मार्केट में एक नई मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं डे टू डे कम्यूट्स के लिए, देन दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर होनी चाहिए। नंबर वन, अच्छा खासा माइलेज दे, एंड नंबर टू, खरीदते टाइम जेब पर ज़्यादा भारी भी ना पड़े। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज हम हीरो मोटोकॉर्प की HF डीलक्स का रिव्यू करने वाले हैं, बिकॉज इस मोटरसाइकिल में ये दो चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज जीत, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं इंजन से। तो ये सिंगल सिलेंडर फर्स्ट स्ट्रोक एयर कूल्ड ओवरहेड कैम यूनिट है, प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 8 हॉर्स पावर के समथिंग 8000 RPM पर, एंड 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर। ट्रायल एंड टेस्टेड यूनिट है, सालों से देखते आ रहे हैं इस इंजन को। हालांकि इसका जो BS6 अवतार है उसमें इसमें जरूर कुछ चेंजेस करे गए हैं नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत हो। एंड BS6 की बात कर ही रहे हैं तो इसकी फ्यूलिंग जो कि सबसे बड़ा चेंज हुआ है BS6 इटरेशन में, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो हीरो इसको एक्सेंस नाम से बुलाता है, एंड ये बेसिकली एक एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जो कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग सेंसर से मेजर करके इंजन को ऑप्टिमम एयर एंड फ्यूल का जो रेशियो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे इंजन हर सिचुएशन में बेटर परफॉर्म कर सके, एंड साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे। तो बात करी जाए सेंसर्स की, तो वो हीरो ने इसमें काफी सारे दे रखे हैं, तो वन बाई वन उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट सेंसर है बैंक एंगल सेंसर। बेसिकली ये करता ये है कि आपकी बाइक अगर गिर जाती है तो उसका जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, जो कि अगेन एक बढ़िया सेफ्टी फीचर है। सेकंड सेंसर इसमें एयर टेम्परेचर सेंसर है, जो कि इसकी जो इनटेक एयर है उसका टेम्परेचर है उसको मेजर करने का काम करता है। थर्ड सेंसर हो गया वो है यहाँ पर बेसिकली इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, या फिर इंजन टेम्परेचर सेंसर इन जनरल आप इसको बोल सकते हैं। एंड ये जो सेकेंड एंड थर्ड सेंसर है ये दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो है कोल्ड स्टार्ट। तो बेसिकली जो कार्बोरेटर वाले मॉडल्स आते थे पहले, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी कि सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर बाइक्स में आपको चोक लेना पड़ता था उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो काम अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको बस यही करना है, किसी भी टेम्परेचर की सिचुएशन में आपको जस्ट ऑन करना है, स्टार्टर बटन दबाना है, एंड आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी ड्रामा। एंड इन सब के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर हो गया, क्रैंक पोजीशन सेंसर हो गया, यहाँ पर इसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर दे रखा है। उसके अलावा इसमें आपको व्हीकल स्पीड सेंसर मिल जाएगा और मैप सेंसर भी मिलता है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो ये सारे जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स को स्कैन करके जो प्रॉपर एल्गोरिथम है उसको यूज़ करते हुए फ्यूल एफिशिएंसी एंड पावर प्लस में पिकअप एंड साथ ही साथ जो ओवरऑल एक लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है मोटरसाइकिल की, उन सारी चीज़ों को बेटर करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये टेक्नोलॉजी है ये ओल्ड कार्ब टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेटर है। काफ़ी लोग इससे डर रहे हैं बट ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं है, बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन चलो ठीक है BS6 के बाद में सभी बाइक्स में कॉमन हो गया है, बट ये इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। एंड वैसे भी इसमें जो वारंटी ऑफर है वो 5 ईयर्स और 70,000 किलोमीटर्स तक का आता है, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से अगर आप स्केयर्ड हो इस बाइक से तो आपको नहीं होना चाहिए। और अगर बात करें सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग की, तो इसमें आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, 130mm का फ्रंट आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, एंड पीछे आपको इसमें एडजस्टेबल टू स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है, एंड साथ ही साथ पीछे भी 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। एंड ये जो दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं IBS टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। मींस आप अगर पीछे का ब्रेक अकेला भी अप्लाई करते हैं तो भी उसका थोड़ा परसेंटेज अमाउंट है ब्रेकिंग का वो आपके फ्रंट ब्रेक पर भी लगेगा, जिससे कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम करा जा सके। एंड अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब पीछे का ब्रेक प्रेस करने पर आगे का ब्रेक कितने परसेंट में लगना चाहिए, वो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर इस लीवर की हेल्प से। बेसिकली आपको ये जो नट है इसको अनस्क्रू करना है अगर आपको सेंसिटिविटी कम करनी है तो, एंड इसको आप टाइट करके जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। फ्यूल टैंक इसका 9.6 लीटर्स का है, इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड बढ़िया चीज़ ये है कि ये काफ़ी ब्रॉड है तो राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए ये कंफर्टेबल होने वाली है। ग्रैब रेल भी इसकी फंक्शनल है, मिरर्स की जो विजिबिलिटी है
वो भी इसकी काफ़ी डिसेंट है एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस वैसे भी नहीं हुए हैं। फ्रेम आपको इसमें डबल क्रैडल मिल जाएगा एंड उसके अलावा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कि इसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है, मड गार्ड है उसमें आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे सेफ्टी के लिए, लेग गार्ड भी अच्छी खासी क्वालिटी का है, जो ब्रेक पेडल है उसके यहाँ पर आपको एक सपोर्ट के लिए एक क्लैंप मिलता है ताकि जो इंजन है या फिर कैटलेटिक कन्वर्टर है उससे टच होकर के आपका पैर ना जले। किक स्टार्ट आपको सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेगा एंड सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मुझे ये लगा कि इसके सभी मॉडल्स में, मतलब सस्ते से सस्ते वाले मॉडल में भी आपको अलॉय व्हील्स भी स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड लास्ट में डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड हैं, बस जो स्टिकर्स वगैरह हैं उनका डिज़ाइन चेंज करा गया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो डिज़ाइन है ये हम इतने सालों से देख रहे हैं कि ये चेंज ना हो तो ही मेरे ओपिनियन में बेटर है। एंड सरप्राइजिंग फैक्ट एक और भी है कि इसमें टोटल आपको 7 कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैन यू बिलीव इट। तो कलर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, नंबर 1 टेक्नो ब्लू, उसके बाद आपको हैवी ग्रे विद ग्रीन मिल जाएगा, हैवी ग्रे विद ब्लैक मिल जाएगा, ब्लैक विद पर्पल मिल जाएगा, ब्लेजिंग रेड मिल जाएगा, नेक्सस ब्लू मिल जाएगा एंड लास्ट कलर ऑप्शन ब्लैक विद रेड है जिसका अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। एंड इन सारे कलर ऑप्शंस में से मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है हैवी ग्रे विद ग्रीन। अनफॉर्चुनेटली वो डीलरशिप पर अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज मैं वही लेके आता रिव्यू के लिए भी। सो अभी बाइक को थोड़ा चला के भी देख लेते हैं। सो पहली चीज़ बैठते ही आप नोटिस करेंगे वो है कि कितना नेचुरली आप इसके ऊपर बैठते हो, मतलब एकदम नेचुरल आपकी पोजीशन रहती है, आप नॉर्मली बैठे हो, हाथ आपके एकदम कंफर्टेबल हैं और इसकी सीट भी एकदम कुशनी है, सस्पेंशन भी बढ़िया है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से आपको एकदम कंफर्टेबल फील होता है जो कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बाइक के लिए बिल्कुल सही सेटअप है। उसके अलावा बम्प्स वगैरह भी ये ईजिली हैंडल कर लेती है एंड क्लच एकदम लाइट है, गियर शिफ्ट्स जैसे पहले वाली HF मोटरसाइकिल्स में आते थे वैसे ही हैं, गेट्स द जॉब डन। एंड इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को जो लगी वो है इसका इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। सो बेसिकली पहले 110mm का रियर ब्रेक का सेटअप आता था, तो सबसे पहली चीज़ तो वही सबसे बड़ी बात है कि 110 से इन्होंने 130 कर दिया है। एंड उसके अलावा भी पहले क्या होता था कि जब आप पीछे वाला ब्रेक प्रेस करते थे तो जो रियर व्हील है वो बहुत जल्दी स्किड करने लगता था, लेकिन बिकॉज अभी उसकी जो पावर है कुछ पावर आगे भी जाती है तो वो जो स्किड करने वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। एंड बिकॉज दोनों ब्रेक साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो ऑन रोड सिनेरियोज में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अभी यहाँ पे सिटी पे तो आप लोगों को मैं ये नहीं दिखा पाऊँगा ये चीज़, बट हाँ आप खुद चला करके टेस्ट राइड करके देखें एंड खुद एक्सपीरियंस करें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। एंड उसके अलावा एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी i3s टेक्नोलॉजी जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कहीं पर रुकते हो और बाइक आप न्यूट्रल में कर देते हो, क्लच आप रिलीज कर देते हो, तो इंजन जो है वो कट ऑफ हो जाता है पेट्रोल बचाने के लिए। एंड जिस हिसाब के पेट्रोल प्राइसेस चल रहे हैं मुझे ये काफ़ी सही चीज़ लगी। तो अभी आप इसका लाइव डेमो भी देख लो। तो बेसिकली अभी मैंने बाइक को रोक दिया है, क्लच को रिलीज़ कर दिया है, बाइक न्यूट्रल में है एंड i3s टेक्नोलॉजी है वो इंजन को बंद कर देगी जैसा इसने अभी कर दिया है। एंड ये जो i3s की लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको चलना है ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द क्लच एंड इंजन स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद में यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं वर्डिक की, बट उससे पहले इसकी जो प्राइसिंग है वो बता देता हूँ। तो इसका जो बेस मॉडल आता है HF 100 वो स्टार्ट होता है 51,200 रुपीज़ से एंड ये जो मॉडल है ये इसका सबसे टॉप स्पेक वेरिएंट है HF डीलक्स मॉडल का, ये है 64,470 रुपीज़ का। उसके बीच में कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं जैसे कि आपका किक और ड्रम का हो गया एंड उसके अलावा एक ब्लैक एडिशन भी आता है इसमें एंड मेरे ख्याल से एक वेरिएंट और है। तो अभी वेरिएंट वाइज जो प्राइस लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और ये जो प्राइजेस हैं ये झुंझुनू राजस्थान की मार्च 2022 की प्राइजेस हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं या फिर किसी और जगह से देख रहे हैं तो प्राइजेस हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं जिसको आप उस टाइम पर अपने डीलरशिप पर जाकर के पूछ लीजिएगा। एंड अभी बात करते हैं वर्डिक्ट वाले क्वेश्चन की कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं। सो वेल, उसका आंसर मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम लोगों को है और
ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, आपके किसी न किसी जान पहचान के किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड या फिर किसी भी नॉन पर्सन के पास ये बाइक ज़रूर मिल जाएगी। तो हम लोगों ने इस बाइक को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है। यहाँ पर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो BS6 अवतार है उसमें जो ये सेंसर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो कि ऐड हुई हैं वो इस बाइक को ख़राब नहीं कर रही हैं, इसको कुछ ना कुछ पहले से बेटर ही कर रही हैं। एंड इसमें अभी जितने भी अपडेट्स आए हैं वो मेरे ख्याल से इसमें मैंडेटरी थे जनरेशन वाइज आगे बढ़ने के लिए, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड उसके अलावा बात करी जाए इसके नेटवर्क की, तो हीरो का सर्विस नेटवर्क सबको पता है। सबसे बड़ी चीज़, 5 साल के बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, आपको तब नहीं रखनी है क्योंकि आपको डर लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाएंगे, तो आप उसको बेच दीजिए। आपको 5 साल में जितनी आपने बाइक काम में ली है उससे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4-5 साल चला करके हीरो की मोटरसाइकिल्स को सेल आउट कर देते हैं अच्छे खासे दामों में एंड वो फिर से हीरो की बाइक ले आते हैं। तो ये भी एक सोल्यूशन है जो कि हमारा इंडियन मार्केट सालों से करता हुआ आ रहा है एंड आई थिंक आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपको सीरियस हैं अगर आप इसको ख़रीदने के लिए तो अपने नज़दीकी हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में जाइए, टेस्ट राइड लीजिए, अपना कलर पसंद करिए एंड अगर आपको इस बाइक का डिज़ाइन पसंद है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसमें ऐसा एडसेज कुछ है नहीं जिसको लेकर के आपको डरना चाहिए या आपको ये बाइक नहीं कंसिडर करनी चाहिए, एक नो नॉनसेंस बाइक है जो कि आपकी कम्यूटर नीड्स के लिए सफिशियंट है। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपका जो क्लैरिफिकेशन है इन नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा क्लियर आउट हुआ होगा। एंड विद दैट बीइंग सेड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।